दोस्तों लगभग अब एग्ज़ाम के लिए 75 डेज़ के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है, और अगर आज भी आप टीचर्स के लेक्चर्स देख रहे हो टॉपिक्स को कवर करने के लिए या सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट वाइज, या इसी के साथ साथ आप अपने यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट बना रहे हो कि मैंने इकोनॉमिक्स की ये बनानी है, ज्योग्राफी की ये बनानी है, और उसी के साथ साथ इंग्लिश में हो चाहे रीजनिंग में हो। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई क्योंकि मेरे फीवर है वायरल, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था तो मैंने कहा लो बना देता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने आ गया हूँ। तो अगर इस तरीके से चीज़ें आप क्लियर कर रहे हो तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी आगे भी नहीं होने वाला, इतना अभी क्लियर करके चलो। अब यहाँ से टाइम जितना हो बचा है वो आपको प्रैक्टिस को ही देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को, क्योंकि मिनिमम आपको प्रैक्टिस के लिए 2 मंथ्स की ज़रूरत होती है, 60 दिन तो प्रैक्टिस के लिए देना होता है, और अगर अब यहाँ से देखा जाए तो 70 से 75 दिन 70 to 75 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। उसमें अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर ली, जितना कुछ भी बचा है या फिर कुछ भी इनकम्प्लीट टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, वो सब आप मेरी बात मानिए, आप प्रैक्टिस के दौरान जब अपना फाइनल टेस्ट दे रहे होगे ना, अपने मार्क्स के स्कोर को इंक्रीज करने में लगे होगे, अपने जो इतने भी टेक्निकल वर्क करना है आपको या फिर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना होगा, जो उसे निगेटिव ज़्यादा आती है तो एक्यूरेसी नीचे रहती है, तो एक्यूरेसी को बढ़ाना होगा, एक्यूरेसी को ठीक है तो उसके साथ उस पर वर्क करना होगा, या फिर आपकी जो स्क्रिप्ट क्वेश्चंस के नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें कम करना होगा। तो ये जितना भी इस तरीके के टेक्निकल वो है, और कुछ जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं उसी में आप उलझ जाते हो, बार बार उसी में फंसे रहते हो, उसकी वजह से आप पूरा मॉक के क्वेश्चंस पर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे होते हो, तो वो सब चीज़ों पे आपको जो प्रैक्टिस के दौरान चीज़ें आप क्लियर करोगे, मॉक्स के एनालिसिस कर रहे होगे, और उसी के साथ साथ जितने भी इनकम्प्लीट टॉपिक्स है या फिर जो आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, उसके लिए भी आप उसे कम से कम 2 महीने आराम से दे लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी के दौरान हर एक चैप्टर का जितना भी ईजी टॉपिक हो या फिर जितना भी एवरेज या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले प्रीवियस ईयर में, उनको आप खुद बनाना सीख जाओगे अच्छी एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, बहुत अच्छे से। तो इन बचे हुए 70-75 डेज़ में आपको इतने अच्छे तरीके से वर्क करना है, क्वेश्चंस को ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करना है, डेली आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो आपके वीक्स हैं, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और उसकी प्रैक्टिस आप ऑफलाइन मोड में बुक के फॉर्म में कर सकते हो किसी प्रीवियस ईयर की बुक से। अगर आपको एरर्स में प्रॉब्लम आती है, एरर्स के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आपको डेली 50 क्वेश्चंस तो कम से कम बनाने हैं वो एरर्स के, और अगर उसमें आपको मिक्स एरर्स बनाने में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप टॉपिक वाइज जाके प्रैक्टिस कर सकते हो एरर्स की। इसी तरीके से आप पैसेज वगैरह की भी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, रीजनिंग में भी टॉपिक ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ ऑनलाइन में जब अपने टेक्निकल डाटा को जिस पर वर्क करना है आपको, जिन जो चीज़ें बताई हैं एक्यूरेसी हो, निगेटिव हो, या उसी के साथ साथ स्किप करने की चीज़ें जो क्वेश्चंस टॉपिक्स हो रहे हैं उन पे पूरा आपका जो रिपोर्ट कार्ड देखेगा। तो मॉक के लिए तो आप टेक्स्ट बुक अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अगर जाकर डाउनलोड करोगे और कूपन कोड दोस्तों BASP कैपिटल लेटर में यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जाके वहाँ से परचेस करके आप अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाओ, अच्छे से मॉक्स लगाओ, वहाँ दोस्तों बहुत से एग्ज़ाम्स के आपको मॉक्स मिल जाएंगे, SSC के बहुत से एग्ज़ाम्स के मिल जाएंगे, तो आप सिर्फ रीजनिंग अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप CGL के भी कर सकते हो, GD के भी कर सकते हो, CPO के भी कर सकते हो, CHSL के भी कर सकते हो, MTS हवलदार के भी कर सकते हो, तो आप इसी तरह इंग्लिश में भी कर सकते हो, तो यहाँ वहाँ से आप ऑनलाइन तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करने चाह रहा था, जो आने वाला आपको 75 डेज़ का जो आपका प्रैक्टिस प्लान होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, जितने भी वीक टॉपिक हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है, उनका डेली ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करना है सेलेक्टेड नंबर्स में, कितने इतने क्वेश्चन को डेली बनाना है जब तक इसमें मेरा एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी आना जाए, स्पीड अच्छी आना जाए तब तक, और उसी के साथ साथ जो टॉपिक्स आपके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जो कुछ स्टूडेंट में अभी तक ये चीज़ें हैं कि अभी तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो जितना हो गया उतने पे प्रैक्टिस आप चालू रखो, जब मॉक्स लगाओगे और जब ऑफलाइन मोड में भी ऑनलाइन मोड में भी दोनों में आप प्रीवियस ईयर को देखते रहोगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वर्क करना है, सिलेबस कौन पढ़ते जा रहे थे, टीचर्स की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनाते जा रहे थे और इधर से उधर सब चीज़ें करते जा रहे थे लेकिन नहीं हो पाता वर्क, लेकिन जब प्रैक्टिस में कूदोगे ना तो सब चीजें क्लियर होने लगेंगी। अभी तक ये एग्जाम में पूछा गया है तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो इस पे सबसे पहले वर्क करना है, इसकी प्लेलिस्ट नहीं बनानी, इसके लिए टीचर नहीं ढूंढने, इसको बस आज कंप्लीट कर लेना है, आज या कल में 2 दिन में कंप्लीट करना है, ये टारगेट लेके चलोगे प्रैक्टिस के दौरान, इसे ही बोलते हैं एग्रेसिव प्रैक्टिस। अच्छे से जब ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे, डिटेल एनालिसिस करोगे, अपने हर एक वीक टॉपिक पे अच्छे से वर्क करोगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा सा बिल्ड होता है, उसी के साथ एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, मार्क्स में
में भी आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, उसी के साथ साथ एग्जाम में भी निगेटिव बहुत कम होगी। पता चला आप इतने अच्छे स्कोर में पहुंच गए जो कट ऑफ को क्लियर आराम से कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव की वजह से उसमें इतनी निगेटिव लग गई कि आप पॉइंट से या एक दो मार्क्स से कट ऑफ से भी रुक सकते हो। तो निगेटिव बहुत डेंजर चीज़ होती है, उसे क्लियर करना। और दूसरा वो कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना भी ज़रूरी होता है, ये नहीं उलझे रहना। कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे दिए होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, रीजनिंग में भी कुछ ऐसा एनालॉगी वगैरह में दे दिया होता है कंसेप्ट कि उसे आप ढूंढते रह जाओगे, एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीन अटैम्प्ट, चार अटैम्प्ट, समझ में नहीं आ रहा होता है वो, मतलब कंसेप्ट माइंड में आ ही नहीं रहा होता कि यहाँ पे लगना क्या है। तो वो सब प्रैक्टिस से होगा। और अगर कुछ अनोखा दे दिया गया बिल्कुल अगड़म बगड़म वाला, तो उसको छोड़ के निकलना है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगी कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे छोड़ना होता है, या फिर कैसे अटैम्प्ट करना होता है, या फिर इस तरीके के टॉपिक्स में कौन कौन से कंसेप्ट लगते हैं। तो वो सब चीज़ जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इन 75 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन करना है। ये मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे हैं कि मेरा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन अभी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि सिलेबस कंप्लीट करने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। वो कुछ कह रहे हैं कि मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, चीज़ें हर चीज़ क्लियर भी हैं, क्वेश्चन बन भी जाते हैं लेकिन मॉक में देते हैं तो मॉक में गलत हो जाते हैं। तो वहां पे भी ये प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां गलत नहीं होंगे। तो हर चीजें क्लियर करना चाह रहा था इस आपको। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं वायरल फीवर से सफर कर रहा हूं पिछले लास्ट 6 डेज से, तो बहुत ज़्यादा देखिए स्वेटिंग होने लगी बॉडी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, कोशिश करूँगा जल्दी से रिकवरी करके आऊँ और आपको एक अच्छी अच्छी वीडियोस जीएस पे और भी टॉपिक्स पे दे सकूँ, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, आपके मार्क्स मॉक्स में भी बढ़ सकें और जो भी प्रैक्टिस के दौरान जो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो सके।